नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थांकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां, ज्योतिष से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने का हम प्रयास करते हैं, नई नई जानकारियां आपको देते हैं। इसके साथ ही साथ टॉप स्टोरी न्यूज लगातार अपने मंच के जरिए देशहित के मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को उठाता रहता है। आज रविवार है, हम आशा करते हैं आप सभी का दिन जो है वो आज मंगलमय हो और आपका दिन अच्छा बीत रहा हो। आज रविवार स्पेशल में आज हम कुछ खास आप लोगों के लिए लेके आए हैं। हर रविवार हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए खास लेके आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र और वास्तु से जुड़े कुछ टोटकों के बारे में, कुछ उपायों के बारे में, कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन में बेहतरीन फल जो है वो आपको दे सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई छोटे और आसान उपाय जो है वो बताए गए हैं जो आपके जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकती है। कई लोग इन छोटे छोटे उपायों को या तो जानते नहीं है या जानते भी है तो इस पर विश्वास नहीं कर पाते। इन उपायों का वैज्ञानिक कारण भी है और इसलिए इस पर विश्वास करने से पहले आपको अपने खुद पर, अपने आप पर विश्वास करना जो है वो बहुत जरूरी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी छोटे छोटे कुछ अचूक उपाय जो आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे, जो आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आप सब लोग निश्चित ही अच्छे होंगे। आज रविवार का दिन है और मौसम भी बहुत अच्छा है उत्तरी भारत का। आज जो सरकार ने आपसे कहा है टोटकों के ऊपर चर्चा करने के लिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को टोटके बताता हूँ जो घर के, हर घर के अंदर आप मुफ्त के आधार पे वो आप कर सकते हैं जी। आप सभी के यहाँ सफाई करने के लिए घर में झाड़ू होती है, झुड़वात शुरुआत करते हैं झाड़ू। हमारे सनातन धर्म में झाड़ू की बड़ी विशेष महत्ता रखी गई है और हमारे यहाँ बहुत से घर परिवारों में इसको लक्ष्मी का स्वरूप भी मनाया गया और पैर लगाने के लिए मना किया गया। मेरा भी जहां तक कहना है कि झाड़ू पर पैर नहीं लगाने चाहिए जी। झाड़ू को देखकर कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। पहली बात तो ये है कि झाड़ू की जो खरीद है वो अगर आप शुक्रवार को करेंगे और शनिवार से तो यूज करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो निश्चित तौर से आपको उसका लाभ मिलेगा। कम से कम जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग फिजूल खर्ची करते हैं या हमारे हाथ में हमारी कमाई का पैसा बिल्कुल नहीं रुकता, उन लोगों का पैसा रुकने लगेगा, ऐसा मेरा अपना अनुभव, अपना विश्वास है जी। दूसरा होता है कि आपके घर की सुरक्षा। यदि आप अपनी झाड़ू को अपने मुख द्वार से, जो ऊपर का हिस्सा होता है जिधर से पकड़ते हैं उसको मुख द्वार की तरफ करके और उसकी जो सीख है वो अंदर की ओर करके रख दे, तो चोरों की निगाह आपके गेट के ऊपर नहीं पड़ेगी, ये निश्चित मान लीजिए। अर्थात आपका घर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा जी। और ऐसा आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरी बात यह आती है, झाड़ू को हमेशा ओट में रखना चाहिए। ओट बोलते हैं किसी एक तरफ, किसी किनारे पर, जो वो लोगों की निगाह ना आए। तीसरी बात, जो लोग झाड़ू से अपने घर के जाले साफ करते हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं, इससे आपकी बुद्धि खराब होती है। झाड़ू से कभी भी जो आपके छतों पे लगने वाले मकड़ी के जाले या दूसरी गंदगी है उसको साफ नहीं करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी यह है, जो कि जमीन पर चलती हो या जमीन की सफाई करती हो, यदि आप उसको दीवार पर लगाएंगे तो जरूर उससे नेगेटिविटी बढ़ती है, ऐसा भी वैज्ञानिक आधार पर कह सकता हूँ जी। अच्छा, इसके अलावा जिन लोग बच्चों की शादी होने में दिक्कत आ रही है उनके लिए बताऊंगा, सीखों की झाड़ू आप ले लीजिएगा और शुक्रवार को उसका ऊपर का बंदा खोल के और उस पर कलावा बांध दीजिए, और जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है उसके सिराने खड़ा कर दीजिए, और सुबह को शनिवार की सुबह सूरज निकलने से पहले उस झाड़ू को अपने शहर के किसी भी चौराहे पे जाके खोल के आ जाइए, तो आपके बच्चे का रिश्ता हो जाएगा जी। ये वो सब चीजें हैं जो मेरे अनुभव में है और जो लोगों को लगातार लाभ देती है। इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करना नहीं होता, लेकिन इसमें एक भ्रांति यह भी है, यदि आपके बच्चे की कुंडली में शनि पहले चौथे और सातवें घर में हो तो ये परेशानी उनको बन सकती है कि उनकी शादी के अंदर कोई ना कोई रुकावट आए या
उनकी शादी होके टूट जाए, उसके अंदर झाड़ू का कोई दोष नहीं हो जी। बात करते हैं नमक की, झाड़ू के बाद अब आता है नमक जी। जी हर व्यक्ति के घर में नमक होता है, और नमक के नुकसान ही है तो फायदे बहुत है। अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो पैर की हड्डी टूट गई है तो नमक के पानी के अंदर गर्म पानी में पैर डाल के बैठे तो हड्डी जल्दी ठीक होगी। अगर हाथ की हड्डी टूटी है तो हाथ में नमक का डाला पकड़े 5 से 10 मिनट तक तो उसकी हड्डी जल्दी रिकवर होगी। अगर आपके घर में मच्छर की बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है तो नमक का पानी का पोछा लगवाइए, उससे वो ठीक होगा। इसके अलावा यदि टॉयलेट बेडरूम के साथ अटैच है, जनरली आजकल टॉयलेट अटैच बेडरूम बनने लगे हैं, बैक्टीरिया बेडरूम में आता है वो आप साफ करने के लिए वहां पर एक गले को रखो भी अपने टॉयलेट में तो वहां का बैक्टीरिया खत्म हो जाता जी। इसके अतिरिक्त आपको यदि अपने ड्राइंग रूम के अंदर बहुत सारे लोग आके बैठते हैं और आपको लगता है कोरोना काल के अंदर उन लोगों से दिक्कत आती है तो आप एक डले को लो 2 से 2.5 किलो का अपने कमरे के साइज के अनुसार आप अपने ड्राइंग रूम में कोने में रख दीजिए तो भी बैक्टीरिया से आपकी बचत होती है जी। और जिन लोगों के कमर में अक्सर दर्द रहता है वो लोग अगर किसी भी नमक को हल्का गर्म करके कपड़े में बांध के हल्का गर्म करके कमर के उस पोर्शन में जब दर्द रहता है उसको सेकेंगे तो दर्द भी आराम आएगा। यह है नमक का फायदा। अब आता है सरसों के तेल का फायदा। यदि आपका पेट खराब रहता है, आपका पेट साफ नहीं होता है, इसके अलावा आपकी उंगलियों की साइडें, इसको हम लोग वो जो किनारियां होती है नखून के बराबर में चट बोलते हैं, वो फट जाती है, तो ऐसे में आप स्नान करते समय सरसों के तेल को नाक में और नाभि में और गुदा में लगाएंगे तो आपके उंगलियों की चट उखड़ली बंद हो जाएगी, पेट ठीक रहने लगेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कम हो जाएगी आपको जी। घर में आपके यहाँ शादी हो रही है और बारिश होने लगी है, एक कुल्लड़ में पानी ले लीजिए, उसके अंदर आसमान की ओर बारिश की ओर देख कर 4 बूंद सरसों का तेल टपकाइए तो बारिश कुछ समय के लिए बंद हो जाएगी जी। शायद आपने ऐसा कभी सुनना नहीं होगा लेकिन आज मैं अगर बता रहा हूं तो आप इसको अजमा के देख सकते हैं, बरसात का मौसम है जी। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को शनि से परेशानी है वो सरसों के तेल का दान करें, और दान करना नहीं चाहते तो सरसों के तेल के पकौड़े शनिवार को बना के खाए तो उन्हें भी शनि के से काफी लाभ होता है। इसके अतिरिक्त शनि सरसों के तेल की बत्ती बनाकर आप पीपल पर जलाए तो आपकी बहुत सारी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी जी। इसी प्रकार बहुत सारे और दान है, और ये दान मैं मंगल का आपको बताता हूँ कि मंगलवार को लाल मसूर एक चुटकी आप किसी लोई में रख के गाय को देना शुरू करिए तो आपका मंगल काफी ठीक रहने लगेगा। समय पे और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा लेकिन वर्तमान में जो ये टोटके इतना ही आप याद रखें तो आपके लिए काफी रहेगा जी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ना तो भीड़ का हिस्सा बने ना भीड़ बने, और आजकल लॉकडाउन चल रहा है शनिवार रविवार को जनरली बहुत सारी स्टेट के अंदर लॉकडाउन रहता है, अपने परिवार के लिए ये गुड टाइम बिताइए, बेस्ट टाइम बिताइए तो आपका परिवार के अंदर सम्मान भी बढ़ेगा और आपको बच्चों के साथ रहने का मौका भी मिलेगा जी। जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को आज के बेहतरीन टोटके बताने के लिए। आचार्य जी कुछ सवाल हमारे पास आ गए हैं। अंजलि भटनागर जी आज सवाल ले दीजिएगा, आज मेरे पास लैपटॉप अच्छा, नहीं थी, है। ठीक ठीक आचार्य जी, अंजलि शहर से दूसरे शहर से बोल रहा हूँ जी। जी अंजलि जी को फिर हम आपके सवाल का जो जवाब है वो अंजलि जी कल के शो में हम आपको आपके सवाल का जवाब देंगे जो भी आपने सवाल भेजा है। अंजलि जी कोशिश करूंगा कल आपके सवाल का मैं जवाब लिखित में दे दूंगा जी। जी आचार्य जी, आपने या आपने क्वेश्चन को आप जब आप इसको देखेंगी शो को तो उसके नीचे लिख दीजिएगा तो मैं पर्सनली आपको सवाल का जवाब लिख दूंगा जी। जी आचार्य जी, आचार्य जी जिस तरीके से आपने अभी बताया टोटकों के बारे में, ज्योतिष से जुड़े, वास्तु के से जुड़े, जिससे लोगों को जो है लाभ मिलता है, लेकिन अक्सर आचार्य जी जो हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं लोग जो है जब भी किसी उपाय को करते हैं, लगातार मैं ये बात बोलता हूँ, आप भी लगातार ये बात बोलते हैं,
मन से जो एक बिलीफ सिस्टम इंसान का है, जो लोगों को एक किसी भी चीज को करने से पहले विश्वास करना उस पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी कोई चीज अच्छा रिजल्ट जो है वो दिखा पाती है। तो कई बार लोगों को इन चीजों को लेकर थोड़ा सा संदेह रहता है, कई बार कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं जिससे कि उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता और उनके मन में संदेह पैदा होता है। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप आचार्य जी? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं जिस माध्यम से आपसे बोल रहा हूँ उसका नाम है टॉप स्टोरी। आपके साथ साथ बहुत हजार लोग देखते हैं और हमारी प्रेस्टीज और टॉप स्टोरी की प्रेस्टीज भी इसके साथ जुड़ी होती है। कम से कम यहाँ के माध्यम से आपको ऐसी बात तो कभी भी नहीं पता चलेगी जो फॉल्स हो या जिसका कथानक ही गलत लिखा गया हो। तो फिर हमारा यहाँ बैठ के आप लोगों से संवाद करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर आप जब हमसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका जवाब भी हम आपको प्रॉपर देते हैं, शायद वो आपके सेटिस्फैक्ट्री में आता हो। दूसरी बात, कुछ बातें करने से जैसे अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, एक बड़ा पुराना मुहावरा है। सेम इसीलिए अगर कोई कहावत अगर यहाँ पर है, कोई टोटका आपको बताया गया है, उसे आप करोगे तभी आपको लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मुफ्त की मिल रही है सब चीजें। तो आपको होता होगा कि यहाँ पर जो आपको पता चल रहा है वो पता नहीं कैसा होगा। जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और उसकी महंगी फीस देके उस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ। लेकिन यह पता ही है, जो हमने पढ़ा वो तो अपनी जगह है, लेकिन साथ में इसके अंदर मेरा अनुभव भी जुड़ा हुआ है 35 साल का। वो 35 साल के अनुभव को आपको बांट रहा हूँ मात्र 35 सेकंड में या 3.5 मिनट में, तो निश्चित तौर से आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। जी आचार्य जी, आचार्य जी जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज रविवार है और रविवार स्पेशल में हम लगातार कोशिश करते हैं कि कुछ नई नई जानकारियां, कुछ नई समस्याओं पर हम चर्चा करें, कुछ अलग थोड़ा सा हटके टॉपिक हम लेके आए। आचार्य जी, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने कई बार बात करी, कोविड के चलते लोगों की नौकरियां गई, व्यापार में बहुत नुकसान हुआ, उसको लेकर भी आपने काफी सारे अचूक उपाय दर्शकों को बताए कि इस तरीके के उपाय करने से चीजें बेहतर होंगी। अभी जैसे आचार्य जी, कोविड की वजह से बहुत लोगों की नौकरी गई है, बहुत लोग स्विच करना चाहते हैं, उनको उनकी मनचाही नौकरियां नहीं मिलती, तो मनचाही नौकरी अगर कोई पाना चाहता है तो क्या उपाय करें? कुछ दो चार उपाय अगर आप दर्शकों को बता दे कि जिससे करने से वो अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त कर सके। आजकल मनचाही नौकरी के विचार छोड़ दे, 130 करोड़ 135 करोड़ की आबादी के अंदर मनचाहे नौकरी मिल जाना कितना मुश्किल काम है। इसको आपको बनना आईएएस था, आप एक इंजीनियर बनके एक कर्मचारी बनके रहे तो आपकी मनचाही नौकरी तो आईएएस बनना है। आपको जो मिल रहा है उसे लपेट लो, जिंदगी तो इसको कहते हैं। और अपनी मेहनत और काबिलियत से अपनी कीमत तय करो, कीमत तभी तय होती है जब उसके लायक आप काम करेंगे जी। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मेरे साथ पढ़ने वाला लड़का आज एक आईएएस है और उसकी कीमत है एक दस्तखत की 1 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक, क्योंकि वो एक आईएएस है। और मेरी कीमत क्या है कि मैं आपके सामने बैठ के कुंडली बांच रहा हूं। आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि नौकरी के अंदर आजकल जिस तरह से कमी आई है उसको आप लोग भली भांति जान रहे हैं। आजकल कंपनी भी लॉस में है, वो भी चाहती है आप लोगों के पैसे कम करके आपको दे। आपने अपने खर्चे बढ़ा रखे हैं, बहुत से लोगों पे ईएमआई, बहुत से लोगों पे और दूसरे खर्चे, कुछ आपको अपने को भी जिस नौकरी पे है उसके हिसाब से चलने के लिए धन खर्च करने की जरूरत पड़ती है जी। मैं तो कहता ये हूँ कि अपनी जो आदतें आप लोगों को है वो बदल लेनी चाहिए, उम्र के बाद ही आपकी सेट हो पाएगी। क्योंकि इस समय जो बदलाव हुआ है, अभी मंगल चेंज हुआ है, शनि मंगल एक साथ थे, पिछला जो 1.5 महीना गया आपके लिए बहुत खराब गया, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप और मैं भी हूँ। लेकिन अभी 22 तारीख से जो परिवर्तन आया है वो आपके लिए बेहतर हुआ है, और 24 तारीख को मंगल चेंज हो गया है तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यानी कल से आपका प्रभाव बेहतर होगा। लेकिन नौकरी की संभावनाएं आपको मिलेंगी तो नवम्बर 2021 से बदलने की संभावनाएं मिलेंगी, इसलिए ज्यादा पैनिक मत हो। परिवर्तन के साथ साथ आप अपने कर्म को करते रहिए, नौकरी के फॉर्म भरते रहिए, नौकरी आपको मिल जाएगी। बात आती है उपाय की, जरूर बताता हूँ आपको कि एक लोटा पानी अपने सिराने रोजाना रात को रखो, यह आपको शुक्रवार की रात से करना है और निरंतर करना है। सुबह को उठो, उस पानी में नहाने से पहले एक चुटकी काले तिल डाल दीजिए और पानी को जाके किसी भी बड़े पेड़ में, जब पेड़ का मतलब जो फुल साइज पेड़ होता है, उसके अंदर देना शुरू कर दीजिए। 28 से 30 दिन के अंदर आपको किसी भी समस्या के अंदर आराम आ सकता है, खासकर नौकरी के लिए। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतना कीमती समय आपने हमें दिया,
हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और उनको आज वास्तु के और ज्योतिष के उपाय बताए जिससे उनके जीवन में कुछ बेहतर परिणाम आ सकते हैं। साथ ही साथ मनचाही नौकरी पाने के लिए भी आपने बहुत बेहतर तरीके से दर्शकों को यह समझाया। दर्शकों, आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो हर व्यक्ति परेशान है अपनी नौकरी को लेकर। तो ये जो उपाय आचार्य जी ने बताए ये आप लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। और जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि बिलीफ सिस्टम जो है वो पहले अपने आप पे भरोसा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, अपने जीवन में आप कुछ भी करते हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो आपका स्वयं पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। हमारे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी वीडियोस को पाइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, नए भविष्य बल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज़।